तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखो। ये बेसिकली लॉजिक गेट का क्वेश्चन है, और लॉजिक गेट का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। और जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करना, समझ रहे हो ना। जहाँ बूलियन एलजेब्रा का यूज करना है वहाँ बूलियन एलजेब्रा यूज करना, जहाँ 0101 फॉर्म यूज करना वहाँ 0101, थोड़ा दिमाग लगा के करना, समझ रहे हो ना। तो लॉजिक गेट कॉम्बिनेशन करेक्ट ट्रू टेबल, तो कौन सा ट्रू टेबल इसमें से सही है। तो सबसे पहले इसका मैं बूलियन एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ। ये ए है, तो मान लो यहाँ पर ए दिया गया, तो ये नॉट गेट लगा है, तो यहाँ आएगा ए बार, और यहाँ से आएगा बी, समझ रहे, और ये आएगा यहाँ बी बार, बात समझ में, और यहाँ आएगा ए। तो ये जो है ये कौन सा गेट है भाई, तो ये मल्टीप्लाई कर देगा, एंड गेट है, तो ये करेगा ए बार बी मल्टीप्लाई कर देगा, और ये क्या करेगा ए मल्टीप्लाई डॉट बी कर देगा, और ये और गेट है, और गेट है, और ये एंड गेट है, ये एंड गेट है, और ये नॉट गेट है, समझ में आ रहा। तो ये जोड़ देगा, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, x की वैल्यू, तो a डॉट b प्लस a डॉट b बार, तो ये वाली जो चीज़ है वो x की वैल्यू है। अब अगर ट्रू टेबल लिखना है तो इफ, अगर यहाँ पर मान लो अगर a की वैल्यू 0 हो, ठीक है, और b की वैल्यू 0 हो, समझ रहे, तो x की वैल्यू क्या होगी मेरे भाई, x की वैल्यू a 0, यहाँ 0 रखोगे तो 0 और b 0 है, तो मतलब 0 और 1 1 हो जाएगा, और 1 0 की मल्टीप्लाई 0 प्लस 0, तो ये मिलेगा 0, बात आ रहा समझ में। अगर a की वैल्यू चलो मान लो 0 हो और b की वैल्यू 1 हो, समझ रहे हो, तो यहाँ से इसका मतलब x की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू 0 रखो तो 0 रखोगे तो 1, और 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 मिलेगा, बात समझ में। अगर यहाँ पर चलो मान लो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 0 है, तो इस केस में क्या मिलेगा, तो x की वैल्यू मिलेगा 0 प्लस 1, तो कुल मिला के यहाँ 1 मिलेगा। अगर a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू भी 1 है, तो इस केस में x की वैल्यू आ जाएगी 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ट्रू टेबल जब मैच करोगे तो देखो कौन सा इसमें से मैच कर रहा है, मतलब हमारा 0110 हमारा मैच कर रहा है, तो 0011 यहाँ से देखो 0110 मतलब ये हमारा हम लोगों का सेकेंड ऑप्शन इसमें से सही बनता है, 0 और 110। एक बार फिर से रीचेक कर लेना, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।